मरियम नवाज की नैब पेशी, पंजाब हुकूमत की नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी। 25 और 26 मार्च को नैब ऑफिस के अतराफ रेंजर्स और पुलिस तैनात होंगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, वजीर कानून राजा बशारत ने वाजे कर दिया। हमने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू पर तबसरा नहीं किया, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात का जवाब नहीं देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्दमल, कहा हमारा हदफ निजाम की तब्दीली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। बैकडोर से आने का हम सोच भी नहीं सकते, पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल जमहूरियत की बहाली का काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा, कहा कराची में कौमी असेंबली की नशस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। लॉन्ग मार्च की हमारी पूरी तैयारी थी। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, इस्तीफों के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने वाजे कर दिया, कहा किसी इजलास में तय नहीं हुआ था कि इस्तीफे देने हैं। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ओपोजिशन मानना चाहिए, पीडीएम इजलास में जो कुछ हुआ मुनासिब नहीं हुआ। पीडीएम में मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें अपने मुफादात के लिए इकट्ठी हुई, अपनी जायदादें बचाने के लिए बरसरे पेकार हैं। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज की घन गरज, कहा ब्रॉडशीट की फाइल वज़ीर आज़म तक पहुंचा दी गई है। $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का मामला, वज़ीर आज़म का ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना में पेश करने का हुक्म, तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना अराकीन से मशावरत के बाद आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। और कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए अफसर का 15 साल लड़की को हरासा करने का वाकया, 15 साल नादिया बहरेन से कराची पहुंची, हमारी बच्चियां एयरपोर्ट जैसे हसास मुकाम पर भी महफूज नहीं, लड़की के घर वालों की हंगामा आराई, राबता नंबर और मिठाई मांगी, एफआईए अफसर का एतराफ, डायरेक्टर एफआईए का नोटिस, एफआईए अफसर संजय को मुअत्तल कर दिया।